हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल ऑनलाइन फ्री ट्यूशन वाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 8वां के इतिहास से सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या आंसर हो जाएगा? पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था। क्या? लाभ कमाना। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या कहते हैं? 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी में जो आंदोलन का शुरुआत हुआ था उसे पुनर्जागरण कहा गया। क्या कहा गया? पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी दस्तावेजों को कहां सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अभिलेखागारों में। सरकारी दस्तावेजों को अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता है। कहां सुरक्षित रखा जाता है? तो अभिलेखागारों में। सरकारी दस्तावेजों को अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, समय के साथ देश और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो समय के साथ देश और राज्य के भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ देश और राज्य के भौगोलिक सीमाओं में किसमें परिवर्तन होते रहते हैं? तो भौगोलिक सीमाओं में। समय के साथ देश और राज्य के भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है, सही और गलत बताना है। कहता है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था? गलत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ये गलत है। वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक स्रोतों से एक आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है, आजादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आजादी के बाद भी वही रह गई। आंसर क्या हो जाएगा? गलत। आजादी से पहले जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी वह आजादी के बाद नहीं रह गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, चूंकि आजादी से पहले पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही था, उस समय हिंदुस्तान का भौगोलिक सीमा कुछ और था और आजादी के बाद पाकिस्तान के बंटवारा हो जाने से भौगोलिक सीमा बदल गया। चलिए नेक्स्ट है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? आंसर क्या हो जाएगा? अरब के सौदागरों का। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब के सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल कहां रखा जाता था? आंसर हो जाएगा फैक्ट्री। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था।
नेक्स्ट, एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को खाली स्थान कर दिया। तो एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। एक के बाद एक लड़ाई यानी कई लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर कर दिया। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, यानी अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? शुजाउद्दौला और शाह आलम। अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि शुजाउद्दौला और शाह आलम ने स्वीकार किया। नेक्स्ट, खाली स्थान ने विलय की नीति का अनुसरण किया, किसने? तो अंग्रेजों ने विलय की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों ने विलय की नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट, सही और गलत बताना है। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहां से सोना चांदी लेने आए थे। क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, तो सही। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, यह भी सही है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था, यह भी सही है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था, बिल्कुल सही। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक करके अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, यह भी सही है। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपे और बंदूकें थी, यह भी सही है। नेक्स्ट, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? चार ऑप्शन दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी, महाल बाड़ी और इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। क्या आंसर हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त। बिहार में अंग्रेजों के समय अस्थाई बंदोबस्त अपनाई गई थी, यानी भूमि की जो व्यवस्था थी वह अस्थाई बंदोबस्त वाली थी। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान को माना गया। किसे माना गया? तो किसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? अपनी आय बढ़ाना। प्रमुख उद्देश्य था अपनी आय बढ़ाना। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य उनकी अपनी आय बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी अब मैच द फॉलोइंग है, जोरा बनाना है। नील दर्पण, महालवाड़ी, नकदी फसल, अस्थाई भूमि व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में था। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ था? पंजाब में। नेक्स्ट है नील दर्पण। नील दर्पण किनकी रचना है? दीन बंधु मित्र की। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की रचना है। अब है अस्थाई भूमि व्यवस्था। तो अस्थाई भूमि व्यवस्था कहां पे लागू था? बिहार में।
नेक्स्ट है नकदी फसल 1793, महालवाड़ी पंजाब से, नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा, नकदी फसल 1793 ईस्वी, और अस्थाई भूमि व्यवस्था जो है वह बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? जनजातीय समाज के जो लोग थे वह आम भाषा में क्या कहलाते थे? चार ऑप्शन दिया गया है, हरिजन, आदिवासी, सिख, हिंदू। आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी। जनजातीय समुदाय के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे। दीकू किसे कहा जाता था? दीकू किसे कहा जाता था? अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी या आदिवासी? तो दीकू जो है गैर आदिवासियों को दीकू कहा जाता था। गैर आदिवासियों को क्या कहा जाता था? दीकू, यानी बाहरी लोग। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के निवासी थे। नेक्स्ट है, गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? यानी गिंडालियों ने गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गिंडालियों ने जनजातियों में एक भाव जगा करके गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? हम सबको पता है कि झारखंड राज्य जो है वह बिहार के विभाजन के फलस्वरूप बना था। नेक्स्ट, अब जोड़ा बनाना है यानी मिलान करना है। जादोनांग, बिरसा मुंडा, कंथ जाति, टिकेंद्र जीत सिंह और जत्रा भगत, ये सभी मिलान करने हैं। तो जादोनांग, जादोनांग का संबंध किससे हो जाएगा? जादोनांग का संबंध हो जाएगा जिलियांगरांग आंदोलन से। जादोनांग का संबंध जिलियांगरांग आंदोलन से। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का संबंध हो जाएगा सिंह बोंगा से। बिरसा मुंडा का संबंध किससे? सिंह बोंगा। कंध जाति, कंध जाति का संबंध हो जाएगा उड़ीसा से। उड़ीसा का जैसे कंधमाल हल्दी है ना, कंध जाति का संबंध किससे? उड़ीसा से। अब है जत्रा भगत, तो जत्रा भगत का संबंध है ताना भगत आंदोलन से। जत्रा भगत का संबंध किससे? ताना भगत आंदोलन से। अब एक है टिकेंद्र जीत सिंह, टिकेंद्र जीत सिंह का संबंध हो जाएगा मणिपुर से। टिकेंद्र जीत सिंह का संबंध किससे? तो मणिपुर से। जादोनांग, जादोनांग का संबंध हो जाएगा जेलियांगरांग आंदोलन से। बिरसा मुंडा का संबंध शिंगबोंगा, कंध जाति का संबंध उड़ीसा से, टिकेंद्र जीत सिंह का संबंध मणिपुर से, जत्रा भगत का संबंध ताना भगत आंदोलन से। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताने हैं। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म है
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना 1927 में होता है। नेक्स्ट, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र था, चार ऑप्शन दिया गया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र था, आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए, आंसर क्या हो जाएगा, अपने आर्थिक लाभ के लिए। अंग्रेजी सरकार ने मजदूरों के लिए जो नियम बनाए थे वह सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटक की स्थापना कब हुई, आंसर क्या हो जाएगा, 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। नेक्स्ट मिलान करना है, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जामदानी बुनाई, लौह उद्योग और नील बगान उद्योग। जूट उद्योग, जैसा कि हम सब जानते हैं जूट का उत्पादन बंगाल में होता था सबसे ज्यादा, तो जूट उद्योग बंगाल से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग का मिलान किससे हो जाएगा, कश्मीर, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर से। जामदानी बुनाई, जामदानी बुनाई कहां से हो जाएगा, जामदानी बुनाई आपका हो जाएगा लखनऊ से। जामदानी बुनाई कहां से, तो लखनऊ से। लौह उद्योग, लौह उद्योग कहां से हो जाएगा, जमशेदपुर से। लौह उद्योग कहां से, तो जमशेदपुर, लौह उद्योग जमशेदपुर। अब है नील बगान उद्योग, तो नील हम लोगों को पता है कि नील से संबंधित जो तिनकटिया पत्ती है वह बिहार के चंपारण से संबंधित है, तो नील बगान उद्योग कहां संबंधित रहेगा, चंपारण से। नील बगान उद्योग चंपारण से संबंधित है। जूट उद्योग बंगाल से, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर से, जामदानी बुनाई लखनऊ से, लौह उद्योग जमशेदपुर, जबकि नील बगान उद्योग जो है यह चंपारण से है। नील बगान उद्योग आपका चंपारण से, लौह उद्योग कहां संबंधित है, जमशेदपुर से, जामदानी बुनाई कहां संबंधित है, लखनऊ से, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर से संबंधित है, जबकि जूट उद्योग बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट सही विकल्पों को चुनना है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन आपका है कि 1857 का जो विद्रोह है वह कहां से प्रारंभ हुआ, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और अपना आंसर चूज कीजिए। तो 1857 का जो विद्रोह है वह मेरठ से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे, तो आपका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे। आंसर क्या आपका हो जाएगा, कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे, तो जगदीशपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा विलायत अली। बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में विलायत अली ने किया था। किसने किया था, विलायत अली ने। नेक्स्ट अब मिलान करना है, जगदीशपुर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ और मांझा प्रवास। जगदीशपुर, जगदीशपुर से कुंवर सिंह संबंधित हैं, कानपुर, कानपुर से नाना साहब का संबंध है,
दिल्ली, दिल्ली से किसका संबंध है? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर का संबंध है। लखनऊ, लखनऊ से कौन संबंधित है? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल संबंधित है। अब है मांझा प्रवास, मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे, मांझा प्रवास से किनका संबंध है? तो मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे हैं। जगदीशपुर से कुंवर सिंह का संबंध है। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था, जबकि कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे। जगदीशपुर से किनका संबंध है? तो कुंवर सिंह का। कानपुर से नाना साहब संबंधित है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर का संबंध है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे का संबंध है। ये सभी 1857 की क्रांति के विभिन्न स्थान हैं, जगदीशपुर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, मांझा प्रवास, जहां से ये सेनानी संबंधित हैं। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था, कानपुर से नाना साहब ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने और मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे ने। विलियम जोन्स, भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? कहता है कि विलियम जोन्स जो है वह भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को जरूरी क्यों मानते थे? चार ऑप्शन दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने भारत प्रेम के कारण। विलियम जोन्स जो है अपने भारत प्रेम के कारण भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को जरूरी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? आंसर आपका हो जाएगा विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, ऐसा गांधी जी क्यों मानते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, ऐसा गांधी जी क्यों मानते थे? तो ऐसा गांधी जी इसलिए मानते थे क्योंकि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ माना जाने लगा था। मिलान करना है, विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाएं। तो विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों को सम्मान देते थे। विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा को महत्व देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के लिए विद्यालय जरूरी नहीं, विद्यालय परिवेश जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, प्रकृति के परिवेश में बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। थॉमस मैकाले, अब है मैकाले, तो मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। मैकाले ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी
अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएं, पाठशालाएं का संबंध किससे? तो गुरु से। विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के समर्थक थे। टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन उन्होंने दिया। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और पाठशालाएं से गुरु का संबंध है। नेक्स्ट है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा राव फूले जो है, क्वेश्चन आपका है कि उनके द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। क्या आंसर हो जाएगा? चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको चूज करना है। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा राव फूले, इनके द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो नारायण गुरु के द्वारा। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा धार्मिक समानता आंदोलन। पेरियार के द्वारा धार्मिक समानता आंदोलन प्रारंभ किया गया। धार्मिक समानता आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पेरियार के द्वारा। नेक्स्ट है, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? आंसर हो जाएगा 1932। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? तो 1932 में। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में गठित किया गया। नेक्स्ट है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर चूज करना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार प्रश्न चिन्ह अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग। शिक्षा उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा अंग्रेजी शासनकाल में। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में हुआ। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1929। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ।
विधवा पुनर्विवाह से किसका संबंध है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर का। अब यहां कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे मस्जिद। मस्जिद मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल है। मजार, मजार जो होता है यह भी इस्लाम से ही संबंधित है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान। इस्लाम धर्म के संत की जो कब्र होता है या फिर दफन करने का जो स्थान होता है उसे मजार कहते हैं। मकबरा, कब्र या मजार पर बनाई गई जो भव्य इमारत होती है उसे मकबरा कहा जाता है। कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत को मकबरा कहा जाता है। खानकाह, खानकाह जो है वह सूफी संतों से संबंधित है। सूफी संतों के धार्मिक केंद्र को खानकाह कहा जाता है। इस्लाम में सूफी संतों से संबंधित धार्मिक केंद्र को खानकाह कहा गया है। ईदगाह, मुसलमानों के ईद की नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल सामान्यतः जो खुले मैदान के रूप में होता है ईदगाह कहा गया है। इमाम बारा, शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन होता है। शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन होता है इमाम बारा कहलाता है। क्या कहलाता है? इमाम बारा। सही या गलत बताना है। भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था, यह गलत है। मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र था। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ, सही। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ, ये भी सही। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़े को मिलान करना है, इसे मिलाना है, प्रेसिडेंसी शहर, रेलवे शहर और औद्योगिक शहर। तो प्रेसिडेंसी शहर, बंबई, कोलकाता और मद्रास जो है यह प्रेसिडेंसी शहर था। आपका अगला है रेलवे शहर, तो बरेली और जमालपुर ये रेलवे शहर था। बरेली और जमालपुर रेलवे शहर था। नेक्स्ट, औद्योगिक शहर, तो कानपुर और जमशेदपुर में औद्योगिक कारखाने लगे थे, तो औद्योगिक शहर कौन हो जाएगा? कानपुर और जमशेदपुर। रेलवे शहर बरेली और जमालपुर, जबकि प्रेसिडेंसी शहर बंबई, कोलकाता और मद्रास। खाली स्थान को फिल करना है। कहता है भागलपुर नगर पालिका की स्थापना, तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में, कब? तो 1864 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भागलपुर में सिल्क कपड़ा का उत्पादन का केंद्र किन किन जगहों पे था? तो भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला में था। कहां कहां था? चंपानगर, चंपानगर, दूसरा नाथनगर, चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला में। भागलपुर में चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कर्मी थे। भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कर्मी कौन थे? आंसर हो जाएगा शरद चंद्र। भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कर्मी शरद चंद्र थे। क्या नाम था उनका? शरद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु था।
रेलवे स्टेशन जो था वह कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालजयी उपन्यास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, आंसर हो जाएगा देवदास। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना किसने की थी, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना किसने की थी, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, देवदास। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। सही या गलत, साहित्य में प्राधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। क्वेश्चन आपका है कि साहित्य में प्राधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, सही है या गलत। नेक्स्ट आपका है प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना की थी, सही है या गलत। रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, सही और गलत। नेक्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया था या पर्दाफाश किया था, सही या गलत आपको बताना है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये सही है या गलत है आपको बताने हैं। पहला है कि साहित्य में प्राधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ये राइट। साहित्य में प्राधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, ये सही है। प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना की थी, ये गलत है। आनंद मठ की रचना प्रेमचंद ने नहीं की थी बल्कि बंकिम चंद चटर्जी ने की थी। रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो यह सही है। रमेश चंद्र के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद चटर्जी ने की थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को क्या कहा जाता था, तो लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्कीर्ण चित्र। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र रूप चित्रण होते थे, क्या होते थे, रूप चित्रण। अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी अंग्रेजी शासनकाल में। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले कलाकार थे, एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे, एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले कौन से कलाकार थे, तो जापानी कलाकार थे। अभी मिलान करना है, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन बम्बई और मद्रास लॉ कोर्ट, इन्हें मिलाना है। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता इंडो ग्रीक शैली में है, किस शैली में है, इंडो ग्रीक शैली में। नेक्स्ट आपका है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई, ये आपका किससे हो जाएगा, विक्टोरिया
सेंटर जो है आपका विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई, यह गोथिक शैली में बनाया गया है। किस शैली में? गोथिक शैली में। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन बंबई यह गोथिक शैली में बनाया गया है, जबकि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता यह इंडो ग्रीक शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है मद्रास लॉ कोर्ट, तो मद्रास लॉ कोर्ट जो है यह इंडो सारा सैनिक शैली में बनाया गया है। मद्रास लॉ कोर्ट आपको इंडो सारा सैनिक शैली में बनाया गया है। मद्रास लॉ कोर्ट इंडो सारा सैनिक शैली में बनाया गया है, जबकि विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई गोथिक शैली में बनाया गया है, तो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता यह इंडो ग्रीक शैली में बनाया गया है। कुछ स्पेशल फैक्ट्स। 1851-52 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग तीन संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बंबई में बंबई एसोसिएशन का गठन हुआ। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। पूना सार्वजनिक सभा के जो सदस्य लोग थे मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में की गई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कोलकाता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कोलकाता का गठन किया गया। नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कोलकाता का गठन 1878 में किया गया। अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था। अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था 1883 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? तो 1884 में। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे और इनका गठन 1885 में किया गया। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन का स्थापना किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1888 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? यह बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने, ये दोनों हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण या उपरोक्त दोनों के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त दोनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएस आईसीएस के परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया। आईसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 वर्ष। आईसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए अवधि 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया, ताकि अधिकांश भारतीय छट जाए। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, और सिर्फ क को या क एवं ख दोनों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी घ क और ख दोनों को। समाचार पत्रों ने प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को लोकप्रिय बनाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसके माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो अधिनियम जो था उसके माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि भारतीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेंगे तो लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वह देश में हो रही घटनाओं से अवगत नहीं हो पाएंगे, चूंकि अंग्रेजी भाषा तो सबको आती नहीं थी। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी ये सभी सही है। तो बंग भंग आंदोलन के दौरान शोक दिवस भी मनाया गया, लोगों ने उपवास भी रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ, यानी ये सब सही। तो आपका आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी सही। बंग भंग आंदोलन के बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास भी रखे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है आधिकारिक तौर पे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। बंग भंग जो है वह लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। रॉलट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी, रॉलट एक्ट के विरोध में सभा जो है वह जालियांवाला बाग में हो रही थी। जालियांवाला बाग कहाँ है, तो अमृतसर में। रॉलट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी, जालियांवाला बाग में। वहीं पे नरसंहार होता है जालियांवाला बाग में, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है, जिस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के। नेक्स्ट है, कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया। आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। किस समय दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। आराम हराम है किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण कांश है।
वर्षों पहले हमने भविष्य को एक प्रतिज्ञा दी थी, यह किसके भाषण का अंश है आपको बताना है। चार ऑप्शन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। वर्षों पहले हमने भविष्य को एक प्रतिज्ञा दी थी, यह किसके भाषण का अंश है, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का अंश है कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, आजादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी। देसी रियासत के विलय की समस्या, पुनर्वास की समस्या, शरणार्थी की समस्या। तो चारों ऑप्शन आपने देख लिया, आजादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी। देसी रियासतों के विलय की समस्या, शरणार्थी की समस्या, पुनर्वास की समस्या और नेतृत्व की समस्या। तो देसी रियासतों के विलय की समस्या भी थी, शरणार्थी की समस्या भी थी, पुनर्वास की समस्या भी थी, लेकिन नेतृत्व की समस्या नहीं थी, क्योंकि आजादी के समय हमारे भारत में अच्छे अच्छे नेता थे, इसलिए नेतृत्व की समस्या नहीं थी, बाकी तीन समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है। आजादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, भारत में उद्योग की कमी थी। इनमें से कौन सही नहीं है, हमें यह चुनना है। तो आजादी के समय में देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, सही है। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये तो गलत है। आजादी के समय हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न में। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, बिल्कुल सही। भारत में उद्योग की कमी थी, ये भी सही है। आजादी के समय भारत में उद्योगों की कमी थी, 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, आजादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, यह भी सही है। नेक्स्ट है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, यह बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद और बिजली। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या धार्मिक उन्माद की समस्या थी। कौन सी समस्या थी, तो धार्मिक उन्माद। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या धार्मिक उन्माद की समस्या थी। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, धार्मिक उन्माद की समस्या। नेक्स्ट है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था। अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ऐसा किसने कहा था, आंसर हो जाएगा कृष्णामाचारी ने। कृष्णामाचारी ने ऐसा कहा था कि अगर हिंदी उन पर, यानी जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ऐसा किसका कहना था, तो कृष्णामाचारी का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण फर्स्ट का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। पोखरण फर्स्ट का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। पोखरण फर्स्ट का परीक्षण इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1974 में
हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही या गलत, आपको चूज करने हैं सही या गलत। मौलाना आजाद का जन्म 1888 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट कहता है, मौलाना आजाद मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ 1921 में हुआ था। अगला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मौलाना आजाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ रहा था। सबसे पहला, मौलाना आजाद का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। बाद में वो कलकत्ता अपने परिवार के साथ आए थे, लेकिन मौलाना आजाद का जन्म 1888 मक्का में हुआ था। मौलाना आजाद मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, तो ये सही है। मौलाना आजाद मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ 1921 में हुआ था, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ 1921 में नहीं हुआ था, उससे पहले हो गया था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मौलाना आजाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ रहा था, तो ये भी सही है। मौलाना आजाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों से आ रहा था। अब मिलान करना है 1888, 1897, 1923, 1947 और 1958। तो 1888 में क्या होता है? मौलाना आजाद का जन्म होता है। 1888 में मौलाना आजाद का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो मक्का में। उसके बाद है 1897। 1897 में मौलाना आजाद जो है वह भारत आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भारत आते हैं। 1897 में मौलाना आजाद भारत आते हैं। 1923 में मौलाना आजाद पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1923 में मौलाना आजाद क्या होता है? पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1947 में क्या होता है? मौलाना आजाद पहली बार शिक्षा मंत्री बनते हैं। 1947 में मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बनते हैं पहली बार। 1958 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु हो जाती है। 1958 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु हो जाती है। 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में होता है। 1897 में मौलाना आजाद भारत आते हैं। 1923 में मौलाना आजाद पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1947 में पहली बार भारत के शिक्षा मंत्री बनते हैं और 1958 में उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, मौलाना आजाद पहली बार किस ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1923। मौलाना आजाद 1923 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को मौलाना आजाद ने सर्वोपरि माना। हिंदू मुस्लिम एकता को मौलाना आजाद ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना किसने कराई, किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के साथ चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चुनना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इससे पहले हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि बंगाल का विभाजन
16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, यानी 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। मौलाना आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? मौलाना आजाद की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। कब? तो 1958 में। इस प्रकार क्लास 8 के इतिहास से संबंधित जितने भी वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक, वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले थे, उन सभी को हम लोगों ने आज के इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्द ही मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। सिविक्स और साइंस क्लास 6 से लेकर के 8 तक के, अभी जो नेक्स्ट सीरीज हमारा चलेगा वो पॉलिटी का चलेगा, इसके बाद फिर साइंस का। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।